दिस इज माइनक्राफ्ट बट यू कैन ईट एनी आइटम। आज मैं माइनक्राफ्ट के किसी भी आइटम को खा के उनकी स्पेशल पावर्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। आई कैन ईट अ पिकैक्स टू माइन एक्सट्रीमली फास्ट विद जस्ट माय हैंड्स, या फिर मैं एक टीएनटी खाकर क्रीपर की तरह एक्सप्लोड हो सकता हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वो सब्सक्राइब का जो लाल बटन आपको दिख रहा है ना, उसको क्लिक करके ग्रे बना दो। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 35,000 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो यार। एंड नाउ लेट्स बिगिन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड। ओके, ये कुछ अलग टाइप का स्पॉन है, वो डार्क ओक है, वहाँ डेजर्ट है, वहाँ पे स्टोन दिख रहा है, क्या बनाया है इस वर्ल्ड को। बट एनीवेज, हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है आपको पता है। एंड अगर मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ मारूंगा तो फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूं एडिबल तो मेरे को सारे आइटम्स दिख गए जिनको मैं खा सकता हूँ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी कैन क्राफ्ट। ओके, लेट्स मेक आवर वुडन पिकैक्स। यहाँ पे जल्दी से मैं सारा स्टोन निकाल लेता हूँ। ओके, हमारा स्टोन आ चुका है, तो हमारे पास ऑलरेडी दो पिकैक्स आ चुकी हैं जिनकी हमें जरूरत है। एंड जब यहाँ पे इतना सारा कोल पड़ा है तो व्हाई नॉट टेक दिस कोल। तो अभी के लिए आई थिंक हम लोगों को यहाँ पर जाके विलेज ढूंढ लेना चाहिए। एंड जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो व्हाई नॉट जस्ट टेक ऑल ऑफ द सैंड, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि हमें किसी ना किसी रेसिपी में सैंड की जरूरत पड़ी जाएगी। एंड वी जस्ट फाउंड वन, लेट्स गो। ओह यस, यहाँ पे रवीन भी है, हमारे को इजिली बहुत सारा आयरन मिल जाएगा। बट अभी के लिए आई थिंक हम लोग गोलम से ही काम चला लेंगे। या सैंड पे लैंड करना बहुत स्केरी होता है। गोलू बाबा, कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर। ओके, आयरन नहीं गिरा है, कितना आयरन दिया थिर। ओके चलो, फिर भी वो इनफ है हमारी फर्स्ट एडिबल आइटम को क्राफ्ट करने के लिए। ओके, आयरन पिकैक्स आ गई है हमारी, हम तो हमारे पास सब आइटम्स हैं। लेट्स क्राफ्ट आर एडिबल पिकैक्स। ईट दिस टू माइन विद योर हैंड। मैं इसको बना लेता हूँ, इसको खा सकते हैं ना हम। ओ, वी कैन ईट इट। ओके, खाते हैं इसको। हंगर तो सही गई है मेरी। ये क्या मिला? कस्टम माइनिंग हैंड, यू डोंट नीड अ पिकैक्स नाउ बॉय। वेट वेट वेट, पहली बात ये विलेजर्स मेरे को ऐसे घूर के क्यों मारने आ गए सारे। पहले मैं यहाँ से खाना पकड़ता हूँ, जल्दी से हम लोग अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने जाते हैं। ओके, इसी बेड पे यहाँ पे स्पॉन पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने शील्ड नहीं बनाई बट कोई बात नहीं, क्या ये काम कर रहा है? वेट, मैं स्टोन से काम करता हूँ। ओह माय गॉड, मैं स्टोन कितनी जल्दी माइन कर रहा हूँ एंड उसकी हेल्थ भी काफी अच्छी है। वेट, स्टोन तो हो जाता है, यहाँ पे आयरन पड़ा है क्या? मैं Oh my god, I can mine iron. Copper भी अच्छे से mine कर रहा है भाई। Oh my god, this will be so helpful जब मैं वो नीचे रवीन में जाऊंगा ना। तो देखते हैं अब अपना अगला चीज क्या है। Edible chest के लिए हमें एक chest और थोड़ी सी wood चाहिए। अब problem ये है कि oak का ही wood चाहिए, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे जब तक मैं सो जाता हूँ। उठ जा भाई, ये मेरा बेड था, मैंने यहाँ पे respawn point सेट किया था। ओके, गुड नाइट। ओके, थोड़ा ज्यादा चल के आना पड़ा बट यहाँ पे हमें oak मिल ही जाएगी, आई एम प्रीटी श्योर। या यहाँ पे oak है, थैंक गॉड। ओके, तो ये मेरे को लास्ट ओक का ट्री दिख रहा है यहाँ पे, तो जल्दी से ये उठाता हूँ, निकलता हूँ। आई थिंक दैट विल बी इनफ। ओके, तो अपना नेक्स्ट आइटम क्राफ्ट करने के लिए पहले तो हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा एक चेस्ट, देन चेस्ट को यहाँ पे रखना है। ओके, एडिबल चेस्ट गिव्स यू अ पर्सनल इन्वेंटरी एंड इट्स आइटम डोंट ड्रॉप एट डेथ। लेट्स ईट दिस एंड ओके। ओके, मेरी इन्वेंटरी कैसे खुलेगी? एंड अगर मैं यहाँ पे बेड लगा के यहाँ पे अपना सारा सामान रख दूं एंड जो हमारा पर्सनल इन्वेंटरी में सामान है क्या वो नहीं जाएगा? वेट, लेट्स डू दिस। ओके, नहीं मारा। वेट, जब नीचे आया हूँ तो यहाँ से आयरन उठा ही लेता हूँ। ओके, बहुत आयरन है भाई यहाँ पे। ओके, आई डाइड। ओके, अब देखते हैं क्या हमारा सा। ओह माय गॉड, इट एक्चुअली वर्क्स। माइनक्राफ्ट को हमने क्या बना दिया इस पॉइंट पे। याद है वो दिन जब हम माइनक्राफ्ट दिस ड्रॉप्स ओपी आइटम्स वगैरह वाले मॉड खेलते थे? गुड ओल्ड डेज। एडिबल टीएनटी के लिए हमें एक टीएनटी और कुछ सैंड चाहिए। टीएनटी बनाने के लिए गन पाउडर चाहिए जो कि मिल सकता है हमारे शैतान क्रीपर से। बट उससे पहले मैं यहाँ पे रख के एक फर्नेस बना के ना जल्दी से अपने आप के लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि सीरियसली मुझे क्रीपर से नहीं मरना यार। एंड जब तक मैं यहाँ से सारा स्टोन ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक्स की कमी रहती है। ओके, दैट्स बेटर। एंड अब मैं जल्दी से ये आयरन एक्स बना लेता हूँ। हमारे पास अभी भी कुछ आर्मर नहीं है, वी आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क, बट कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। वहाँ पे क्रीपर्स खड़े थे ना। हाँ हाँ, क्रीपर है, क्रीपर है, आजा। ओह शिट शिट, गन पाउडर। ओ गन पाउडर कितना? दो है। ओके ओके, स्केलेटन के लिए भी हमें चाहिए। ओके, बोन्स और एरोज दिए, दैट्स प्रिटी कूल, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। यहाँ से आयरन उठा लो, ये जल्दी से अपना आर्मर तो मुझे लगता है बन ही जाएगा। आई एम जस्ट अ फ्रेंड, मेरे को किसी को मारना नहीं है, प्लीज 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 प्लीज। ओके, गन पाउडर मिला है मेरे को। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे को बहुत कम खाना है, बहुत कम खाना है, बहुत कम खाना है। बच गए। ओह माय गॉड, मेरे को तो सिंग वाला भैंस बना दिया।
कि यहाँ से ये आयरन निकालो यार, जल्दी से सैंड ना आ जाए बस ऊपर से। एंड यहाँ से जल्दी से मैं कोल उठा लेता हूँ, लेट्स गो। ना आयरन ले लेता हूँ कि मेरे आर्मर का कंप्लीट हो जाए। आयरन के लिए कुछ भी करेगा। कौन मार रहा है? ओ थिंक नाउ वी हैव इनफ आयरन फॉर आवर आर्मर होपफुली। तो इस केव में ज्यादा देर रहने का मतलब नहीं बनता, जल्दी से वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। सवेरे सामने ही मेरे वो रखा हुआ है भाई, वीट। ओके, तो अपना फर्नेस लगा के यहाँ पे हम लोग अपना आयरन पका देते हैं जल्दी से। ओके, मेरे को टीएनटी के लिए एक गन पाउडर की जरूरत है। ओके थैंक यू क्रीपर। एंड अब उसको ऐसे करके रखना है आई गेस। यस, एडिबल टीएनटी गिव्स यू द एबिलिटी टू एक्सप्लोड। लेट्स डू इसके पास खड़े होने। Oh my god. हमें बहुत सारा सैंड मिल गया इसी चक्कर में। एंड दिस इज सो कूल। भाई बट मैंने उसको एक उस झटके में मार दिया भाई। कोशिश करो। Oh no. ओके और वो मेरे पे मतलब हॉस्टाइल भी नहीं होता, तो उसको पता ही नहीं चलता ये बंदा कैसे एक्सप्लोर कर सकता है। एंड आप अपने बॉय की एमएलजी स्किल्स देख रहे हो। सॉरी सदमे के लिए विलेजर। ओह माय गॉड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एबिलिटी सो फार। सॉरी विलेजर्स से आपको पता है एक अपना जन्मों की दुश्मनी है। नेक्स्ट एडिबल आइटम देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट इज एडिबल बो। ओके, आई थिंक बो के लिए स्ट्रिंग्स चाहिए होती है ना। ओके, अपना आयरन भी पक चुका है, तो अपना जल्दी से आर्मर बना लेते हैं, चलते हैं फिर अपने एडवेंचर पे। I'm just so good. Okay, strings पहले ही मेरे को कितनी strings मिली? 2. I think 3 चाहिए होती है ना। हाँ 3 चाहिए होती है। And अपना skeleton भी आ गया। Okay, strings पूरी हो चुकी है। Skeleton से arrows या bones चाहिए थी। अरे तू कौन है? जो जोगिंदर। ओके, बो बन गई है अपनी। दैट मींस हम लोग अपनी एडिबल बो बना सकते हैं। लेट्स गो। ना अजीब लग रहा है बो को खाते हुए, बट कोई बात नहीं, खाओ। गिव्स यू द एबिलिटी टू शूट अनलिमिटेड एरोज विद योर हैंड। वेट व्हाट, सीरियसली? Oh my god, this is so epic. Oh, लग रही है उसको। एरो बैटल। ओह, मार दिया। एल्बिडो कोई भी काम सीखे एक मिनट में उसका एक्सपर्ट बन जाता है। तू क्या खड़ा है? तुझे क्या बिरयानी खिलाऊं शादी की अपनी? ओके, इसको मेरे को मारना है यार। एक एंटरपल की हमें बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। लेट्स गो। सेंडरमैन ने मेरे को नीचे तो फेंक दिया, बट एटलीस्ट मेरे को पानी से मेरे को डैमेज पड़ रहा है। व्हाट, आई थिंक इसकी कोई डिसएडवांटेज होगी, बट हम उन पे ध्यान नहीं रखते, हम पॉजिटिव चीजों पे ध्यान रखते हैं। मेरे को एक लावा वाला आइटम भी क्राफ्ट करना है ना, तो मैं उसके लिए जल्दी से यहाँ पे एक बकेट अलग से क्राफ्ट करता हूँ। उस बकेट में थोड़ा सा लावा भर के उसको ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि भाई लावा इज वेरी डेंजरस। लाइफ इज वेरी गुड, बट इट कैन बी वेरी बेटर। तो उसके लिए हम लोग जल्दी से अब अपने 2 आई थिंक अपग्रेड क्राफ्ट कर सकते हैं ना। एडिबल एंटरपल, ईट दिस टू टेलीपोर्ट विद नेवर एंडिंग पल्स। चलो खाते हैं जल्दी से। Okay, let's see then, क्या मैं? Oh my god, it is actually working. Oh my god, I'm such a good murderer. मैं बता रहा हूँ भूया, खत्म। ओके, मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर से जाने की, प्लीज। Oh, I did it. That is so awesome. And अब मैं crafting table लेने उतना दूर नहीं जा रहा, तो जल्दी से देखते हैं अब अगला हम क्या craft कर सकते थे। Oh, flint and steel चाहिए। Iron तो पड़ा है मेरे पास, exact एक iron पड़ा है। And मेरे को एक gravel चाहिए। अब ये gravel को लाना ना एक बहुत बड़ी stress है। Okay, अपने mining hand से देखते हैं कितना luck है। Okay. I think इतना luck enough है, क्योंकि हमें एक ही flint and steel चाहिए थे। And अब वो बन जाएगा अपना, तो जल्दी से अपना next एडिबल आइटम क्राफ्ट करते हैं, जिसके लिए हमें लावा बकेट ऐसे रखनी है बीच में। एंड वो एडिबल लावा बकेट, शूट एपिक फायर बॉल्स एंड फायर ब्लास्ट। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, अगर खाया तो मुंह जल जाएगा। बट मैं खा रहा हूँ बिकॉज मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेट, लेट्स ट्राई दिस। ओह शिट, मैंने सच में एक फायर बॉल मारा। ओके, ये तो फायर बॉल है। ओके, ये फायर ब्लास्ट है आई थिंक। एंड ये ये फायर बॉल है एंड ये फायर ब्लास्ट है। हेलो काउश, हेलो पिगीश, व्हाट यू डूइंग हियर? हां, व्हाट यू डूइंग? काम कर। ओह अच्छा, मेरे को लावा से डैमेज नहीं पड़ रहा, नाइस। इस एबिलिटी से होता है पूरी तरीके से। ओके, ओह काउ पैनिक मत कर, तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगा। बड़ा इंटेलिजेंट डोंकी निकला तू तो। हाँ, बट ये तेरे को तेरी मौत से बचाएगा थोड़ी।
वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ एंड जल्दी से अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अबिलिटी क्या क्राफ्ट करने को रहता है हमारा। ओ एडिबल बूट्स, ओके इसके लिए थोड़ी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। हम लोग एडिबल एलाइट्रा भी बना सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमें एलाइट्रा क्राफ्ट करना होगा जिसके हमारे पास फेदर्स तो नहीं पड़े। कोई बात नहीं, चलो विलेज को एक ना एक दिन तो छोड़ना ही था, तो लेट्स गो जल्दी से मैं इसको छोड़ के फेदर्स की खोज पे निकलता हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है। ओके यहाँ पे बहुत सारी चिकन्स हैं, गेस करो कि कितने इनमें से फेदर देगी। ओके वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, बट देखते हैं अब कितना और हमें अच्छा अच्छा ओके देखा थर्ड हमारा थर्ड ही मनुष्य हो गया, बट कोई बात नहीं वाला देगा। लेट्स सी, ओ नहीं दिया इसने भी, ओके इसने दिया आई थिंक। ओके अलाइट्रा का तो पूरा हो गया, बट हमें अलाइट्रा को फिर एडिबल बनाने के लिए भी तो फेदर्स चाहिए। ओके आई थिंक नहीं पूरे नहीं हुए, एक और। ओके हियर आर सम मोर एंड आई थिंक ओके दैट्स इनफ, थैंक गॉड इतना टाइम नहीं लगा। लेट्स क्राफ्ट आर अलाइट्रा, ओके दिस इज सो कर्स्ड, ठीक है नाउ क्राफ्ट आर एडिबल अलाइट्रा, लेट्स गो। हम क्राफ्ट कर सकते हैं This gives you natural elytra wings. Oh my god. Okay. This is soapy. मैं हेलमेट नहीं लगा सकता अपने सर पे। Okay, कोई बात नहीं। मैं उड़ सकता हूँ। Elytra से हमेशा एक्साइटमेंट होती है। Okay, हम लोग वीडियो के बहुत ही एंड आ रहे हैं, तो हमें अब क्लॉक के लिए एक क्लॉक चाहिए और रेड स्टोन चाहिए। क्लॉक बनाना मुझे आता नहीं है, बट आई थिंक गोल्ड और रेड स्टोन ही चाहिए होता है उसके लिए भी। आई थिंक हमारा बेस्ट बेट यही है कि हम लोग लेवल 11 पे जाके गोल्ड रेड स्टोन ये वगैरह माइन करें, बिकॉज हमने वो पिछली रवीन तो ऑलमोस्ट सारा उसमें से सामान आयरन वगैरह लूट ही लिया है, एंड हमारे पास नेवर एंडिंग पिकैक्स हैंड है, तो भाई ये सब तो ईजी होने वाला है हमारे लिए। ओके यहाँ से चलो जल्दी से, ओह माय गॉड, एंड हम लोग रेडस्टोन माइन कर सकते हैं भाई हाथ से, दैट इज सो क्रेजी। ओके आई थिंक इनफ रेडस्टोन फॉर ऑल रेसिपीज, या इनफ है। ऐसी एल्बिडो के कुछ ही देर माइनिंग करने के बाद उसको फाइनली डायमंड्स मिल गया। ओह वी फाउंड डायमंड्स, लेट्स गो, वी फाउंड डायमंड्स, ओके 4, ओके दैट इज प्लेंटी, ओके गोल्ड, ओके लैपिस, लैपिस का क्या करना है? ओके मैं यहाँ पे फर्नेस लगा लेता हूँ। ओ शिट हमें लेदर भी चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। ओके ऊपर जाके बूट्स बना लेंगे, अभी नीचे क्लॉक का करना है एंड गोल्ड खाना है एडिबल। ओके सही है, गोल्ड नगेट आ गए हमारे पास। अब हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं अपना एडिबल गोल्ड। गिव्स यू माइडस टच मिल जाएगा मेरे को, खा लिया मैंने। इट इज एक्चुअली वर्किंग, पूरी इसमें केव को ना गोल्ड से भर दूंगा। एंड अगर देखने को जाए हम इस गोल्ड को ऐसे उठा के अपनी आगे की रेसिपीज में ले सकते हैं, हमें तो गोल्ड स्मेल्ट करने की भी जरूरत नहीं है भाई, गोल्ड फॉर लाइफ। ओए चलो अब बना लेते हैं अपना एडिबल क्लॉक, लेट्स गो, मेक्स यू अ टाइम मास्टर। ओके मैं एडिबल क्लॉक को अपनी खा लेता हूँ, देखते हैं इससे क्या होता है। ओ टाइम इज स्पीडिंग अप, ओके ओके इससे स्पीड बढ़ती है, एंड अगर मैं ये दबाऊं टाइम स्लो हो गया है, नाइस। मैं टाइम फास्ट कर सकता हूँ, मैं टाइम स्लो भी कर सकता हूँ ऐसे। हमारे सारे एडिबल आइटम्स क्राफ्ट हो चुके हैं, बस हमें लेदर चाहिए, जिसके लिए आई थिंक काओ से मिलता है ना लेदर, राइट? ओके नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। एक आप लोगों को कूल चीज़ मेरे को क्या दिखानी है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इस माइडस टच से ना एक्चुअली पानी पे भी चल सकते हैं। देखो तो अगर मैं इधर खड़ा हुआ तो मैं पानी को भी गोल्ड बना सकता हूँ, लेट्स गो। ओके तो गाइज बारी आ चुकी है अपने फाइनल एडिबल आइटम को क्राफ्ट करने की, थिंक आई एम डूइंग गुड। ओके नाइस, लेट्स गो, खा के देखते हैं इसको। ओके मेरे हार्ट्स कम हो गए हैं, एंड होगा कैसे मैं, तो मैं एक सुपर जंप मार सकता हूँ विदाउट गेटिंग डैमेज। भैया ओके मुझे मारना है इसको, भैया शिट, भैया अरे नहीं, या ओ शिट, उसको भी मैंने गोल्ड बना दिया। ओके गाइस तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, चैनल बहुत ही अमेजिंग कर रहा है आजकल, तो थैंक यू सो मच। ऐसी धमाकेदार वीडियोस लेके आता रहूंगा, माइनक्राफ्ट मॉड्स एंड काफी नई नई सीरीज भी आने वाली है चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।